शौक बड़ी चीज है, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि शौक कितनी बड़ी चीज है। जो आप टैटू देख रहे हैं, ये हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनके शरीर पर कुल 86 टैटू हैं और टैटू बनने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। नाम है इनका विकास विद्रोही। विकास जी, शौक बड़ी चीज होती है, वो हमने देख भी लिया आपके बॉडी पे, हर जगह टैटू बनवाया आपने 86। क्यों, मतलब टैटू बनवाना क्यों शुरू किया आप? एक्चुअली ये एक शौक है मेरे लिए, बहुत सा शौक पाला मेरा शौक है, जिसमें से ये भी एक शौक है। तो लोग टेम्प्रोरी शौक पालते हैं, घड़ी पहनना, एक्सेसरीज है, आपको कलम रखना, आप शेविंग करते हैं, ये भी आप प्रकृति के विरुद्ध एक मर्जी चला रहे हैं, जो दाढ़ी बढ़ रही है उसको कटवा रहे हैं। तो मैंने भी अब एक परमानेंट टैटू बना के परमानेंट शौक कर लिया, ताकि बार बार उसको मेंटेन नहीं करना पड़े। ये देखने में एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सपेंसिव नहीं रहता, ये आपका हमेशा के लिए एक पहचान भी बन जाता है और हमेशा के लिए एक खूबसूरती दिखती रहती है। इसलिए मैंने टैटू बनाना शुरू किया, और बनाने के बाद शौक कहिए या एडिक्शन कहिए, एक्चुअली अब जब मेरे शरीर पे कोई टैटू बनता है तो मुझे पता भी नहीं चलता, नींद आ जाती है, सो जाता हूँ, टैटू बनने के बाद लोग बोलते बन गया, फिर दूसरा टैटू बनता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता इसके बारे में। कई लोग कहते हैं कि टैटू बनवाते हैं तो दर्द होता है, आपने तो 86 टैटू बनवाए हैं और आगे भी बनवाएंगे, प्लानिंग है आगे बनवाने की? जी बिल्कुल, बहुत सारा बनेगा, अभी वो खोजता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उसी के बाद जो पसंद आता है वो बना लेता हूँ। और दर्द की जहाँ तक बात रही, तो दर्द है वो तो जीने में भी हो रहा है, घर से निकलने में भी, उठने में भी, सोने में भी, हर जगह दर्द होता है, लेकिन टैटू बनवाने में दर्द हल्का फुल्का होता है, और हर जगह अलग अलग दर्द होता है, फ्लेश पे अलग होता है, आपको हड्डी पे अलग होता है, नस पे बनाइएगा अलग होगा, तो उसका 19-20 होता रहता है दर्द, लेकिन लेकिन हमको जो है कि करवाते करवाते करीब करीब एडिक्शन टाइप का हो गया, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे दर्द हो रहा है या टैटू बन रहा है, बस वो नींद ही आ जाती है बैठे बैठे और बन जाता है। लोग टैटू मैन ऑफ बिहार के नाम से आपको जानते हैं, ये कैसे हुआ, टैटू मैन ऑफ बिहार बने आप, सब लोग जाने लगे? एक्चुअली बहुत सारा फैशन शो वगैरह में भी मैं गया, मैंने उसको जज किया, उसके बाद लोग धीरे धीरे देखते गए, सबको मालूम चला कि सबसे ज़्यादा मेरे ही ऊपर टैटू बना, इसलिए लोग टैटू मैन ऑफ बिहार बोलने भी लगे, धीरे धीरे लोग मैगजीन में और अखबार में भी आया, उसके बाद न्यूज़ पे भी आया, नेट पे भी आ गया, अभी आप टैटू मैन ऑफ बिहार गूगल कीजिएगा तो उस पर भी आ जाता है, तो बस ज़्यादा होने के कारण लोगों ने मेरा नाम रख दिया और उस तरह से लोग जानते हैं। तो अब बिहार का खिताब मिल चुका है, क्या आगे भी कुछ अचीव करना है, इंडिया का खिताब जीतना है या कुछ और बहुत तरह की चीज़ें? देखिए, खिताब तो जीतना एक सबके मन में रहता है, तो जितना खिताब जीत पाऊँ कम ही है, और मुझे है कि मैं फिट और फाइन रहूं और इसका खिताब मुझे मिले। एक्चुअली मेरा 45 अभी एज हो रहा है, लेकिन देखने से आपको नहीं लग रहा हो, तो मैं एक फिटनेस भी मेरा चलता है करके, फ्री फिटनेस, तो किसी को भी फिटनेस के बारे में जानना हो तो मैं फ्री देता हूँ। तो सेवा करने में और शौक पालने में अगर कोई खिताब मिल जाता है और बन जाता है तो वेल एंड फाइन, अच्छी बात है, ऐसे कोई खिताब के लिए मैं ऐसा काम करूँ ऐसा कुछ नहीं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज के समय में समय कम है, उस तरह का मैदान भी नहीं है, बाहर बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, घर में क्या रहते हैं, मोबाइल टीवी से आगे नहीं निकल पाते, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहला संदेश मेरा युवाओं के लिए ये है कि क्यूरियोसिटी अंदर जगाए, बहुत सारा काम और बेकार के काम करने से अच्छा है किसी एक काम पर डिटरमाइंड होकर काम करें। किसी भी काम को अगर 3 से 4 हज़ार घंटे आप दे देते हैं तो वर्ल्ड के 25% टॉप जो फील्ड में उसमें आप आ जाते हैं। तो किसी एक काम को कीजिए, एक ही घंटा कीजिए, लेकिन किसी एक को, कोई एक शौक पालिए, कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता, किसी भी चीज़ में अव्वल आना बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा एक पंच लाइन भी है जो मेरे व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं, एक्सेलेंस इज माई हैबिट। तो जिस फील्ड में है, एक्सेलेंस को अपनी हैबिट बनाइए, और अगर एक्सेलेंस आपकी हैबिट बन गई और आप उसमें अव्वल आ गए, फिर दुनिया आपके पीछे, नाम को आपके पीछे दौड़ना पड़ेगा, आपको नाम के पीछे बिल्कुल नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो युवाओं से सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं कहता हूँ ये मत करो, जो दिल चाहे वही करो, लेकिन उस पर डिटरमाइंड रहो, लगातार चलो, और जब तक उसमें कला की हद तक वो काम ना हो जाए तब तक मत छोड़ो। देखिए, बिल्कुल काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि कोई एक काम आप चुन ले, जो भी आपको पसंद हो, और उसको पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करें, तो आप उसमें सफल जरूर होंगे। तो हमारे साथ विद्रोही जी थे, शौकों के शौकीन हैं, शौक पालने का इन्हें शौक है, और इनका जो शौक है वही इन्हें खुद में काफ़ी खास बनाता है। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज 22 को, पटना।